बॉलीवुड सुपरस्टार और खिलाड़ी नाम से मशहूर अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके घर पहुंचे थे और सीएम धामी ने पहाड़ी टोपी और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। देवभूमि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि मैं पहली बार देहरादून आया हूँ, मैं मसूरी में शूटिंग कर रहा हूँ और मैंने आज तक इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी। पहली बार यहाँ आना हुआ, देहरादून में आया हूँ, पहली बार यहाँ शूटिंग की है, मसूरी में शूटिंग की, बहुत ही मज़ा आया और इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी कि यहाँ रोज़गारी चले। और यहाँ बल्कि मैं तो कहूँगा कि काफ़ी लोग आएंगे यहाँ शूटिंग, वैसे भी आते थे, और भी लोग आएंगे यहाँ शूटिंग करें, रोज़गारी बढ़े, काम चले। इससे जैसे कहा कि इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। हम इतने बाहर देशों में जाते हैं शूटिंग करने, स्विट्ज़रलैंड गए, लंदन गए, यहाँ वहाँ गए, लेकिन ये एक रॉ नेचुरल जगह है और देव का घर है ये। एंड मैं बहुत अपने आप को पहले तो लकी मानता हूँ कि इस वक्त मुझे मौका मिला, लेकिन अनलकी मानता हूँ कि 31 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहा लेकिन कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने का। तो बस ये मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेता अक्षय कुमार को आज उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से पहले सीएम धामी ने राज्य के चार धामों और केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी उन्हें भेंट की। धामी ने कहा कि अक्षय कुमार एक कलाकार के साथ साथ बेहद अच्छे इंसान हैं, उनका समाज और राष्ट्र के लिए योगदान बहुत बड़ा है, वह मुसीबत के समय हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। सबसे बड़ी बात है अक्षय कुमार जी एक कलाकार के साथ साथ वो एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं और उनका जो समाज में और राष्ट्र के लिए जो योगदान है बहुत बड़ा है। हर चैरिटी में, हर किसी आपदा में, मुसीबत के समय में हमेशा वो खड़े होते हैं। हमने उनसे कहा है और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, आगे उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वो काम। बताया जा रहा है कि राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार ने इसके लिए कोई फीस नहीं ली है। उन्होंने कहा कि देश के लिए ऐसे किसी तरह के अभियान में उनका सहयोग करना सम्मान की बात होगी। वहीं साल 2017 में उत्तराखंड के स्वच्छता अभियान के लिए भी अक्षय कुमार को नामित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।